हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड डायन बोर्ड। एंड टुडे एंड ट्रिम कमांड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस ट्रिम बॉडी, स्प्लिट बॉडी, ट्रिम शीट। नाउ वी विल लर्न दिस एक्सटेंड शीट। एक्सटेंड शीट, इन एक्सटेंड शीट वी कैन एक्सटेंड एनी शीट, जस्ट सिलेक्ट एन एज एंड शीट विल एक्सटेंड। You can change the offset and sheet will extend, or until selected. We have one more option, until selected. So just offset a plane, click this is my new plane. Now I want to extend. Okay, extend, select an edge. I want to extend this up to this, so this edge will extend up to the surface, up to the plane. So boundary must be there and it will extend. So extend will extend the curve, or reset. Just click an edge, you can extend this with the help of this, or you can trim this and apply. Okay, it will reduce with the help of this. You can change the offset in positive or negative direction, both. नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है, यहाँ से आप जाइए इंसर्ट, और इंसर्ट में ट्रिम, ट्रिम के अंदर है ट्रिम एंड एक्सटेंड। ट्रिम एंड एक्सटेंड के अंदर यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए कौन सी एज है, ये वाली एज है मेरी, ये पूरी एज, और यहाँ से हमें लेना है यहाँ तक, तो हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारी एज थी वो एक्सटेंड हो जाएगी अप टू सिलेक्टेड प्लेन या फेस, जहाँ तक भी आप लेंगे। ये एक्सटेंड करने के लिए यहाँ से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैंसिल। और यहाँ से मैं करता हूँ कैंसिल। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक ऑप्शन हम और भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है। सपोज़ मैंने यहाँ से इस प्लेन पर जाके कुछ ड्रॉ करा, और यहाँ से ले लेते हैं एक आर्क और फिनिश, और इसे कर लेते हैं ऐसे एक्सट्रूड और सिंगल साइड, और सेकंड साइड एक बहुत ज़्यादा जा रही है, मैं इसे कम कर लेता हूँ, और ये ओके। तो ये दो सरफेस मेरे पास हो गई हैं। अब इनके ऊपर मुझे अप्लाई करना है। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्रिम, ट्रिम के अंदर है ट्रिम एंड एक्सटेंड, और ट्रिम एंड एक्सटेंड के अंदर यहाँ से लेता हूँ मैं मेक कॉर्नर। मेक कॉर्नर में एक तो फेस मेरा ये है, दूसरा फेस मेरा ये है, और आप देखेंगे तो ऐसा प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। या इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्स साइड ऐसा आ सकता है, फिर रिवर्स, ये तो जगह ठीक है, फर्स्ट वाले का रिवर्स कर देते हैं, और ओके। तो ये क्या करेंगे, दोनों फेस मिल के एक कॉर्नर बना देंगे, इस टाइप का कॉर्नर। तो ये ट्रिम का भी काम करेगा और एक्सटेंड का काम भी करेगा, दोनों ऑप्शन हम लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। इसी को ही अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, और इस वाले पे जाके यहाँ से लेता हूँ वही ट्रिम एंड एक्सटेंड, और मेक कॉर्नर को हटा के, और यहाँ से लीजिए फेस, और फेस को लिया, और टूल, टूल के लिए मुझे तो प्लेन चाहिए, फेस चाहिए, कहाँ तक आप इसे ले जाना चाहते हैं, तो वो अभी मेरे पास यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये नहीं ले पाएगा। इसे मैं कैंसिल करता हूँ अभी, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हम यहाँ से ट्रिम में जाते हैं, और ट्रिम में मेरे पास है यहाँ से अनट्रिम। अनट्रिम लेंगे, अनट्रिम क्या करेगा, जो भी चीज़ आपने ट्रिम कर रखी है उसको आप फिल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन क्रिएट वन मोर डुप्लीकेट सरफेस, एंड दैट विल बी fill the previous, just undo this, the new surface will
इट इज़ माई कम्प्लीट सरफेस, इट इज़ कॉपी ऑफ प्रीवियस वन एंड इट इज़ द सरफेस लाइक द सरफेस विच इज बिफोर द ट्रिम. सो वी कैन क्रिएट दिस बाई यूजिंग द अनट्रिम. गो टू दिस इंसर्ट ट्रिम एंड ट्रिम, वी हैव दिस अनट्रिम एंड ट्रिम, इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ ट्रिम कमांड. सो जस्ट सिलेक्ट द फेसेस एंड क्लिक ओके. द ज्योमेट्री विल कम विच इज़ बिफोर द ट्रिम ऑप्शन. And in this model, just go and trim, and we have this untrim option. Select the surface which you want to be untrimmed. This is my untrimmed surface, the surface before the trim. So these are the commands for today. See you in next.